हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, एलएसडी एलएसडी का मतलब होता था आज तक तो लव सेक्स और धोखा, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर एक गाना भी आया था कैलाश खेर का। बट इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है, लव स्कैंडल और डॉक्टर्स आ रहा है, जहां पर किसी ना किसी के ऊपर शक की सुई आती रहती है क्योंकि ये खून हुआ है। तो बेसिकली ये संजीवनी इन क्रिमिनल अवतार जैसी एक सीरीज है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। क्या ये देखने लायक है कि नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो KMRC बेसिकली एक टॉप हॉस्पिटल है, जिसमें डॉक्टर अगर चले जाएं और वहाँ इंटर्नशिप उसके उनको मिल जाए तो उनकी मतलब लाइफ ही बन जाती है, उनका करियर जो है रॉकेट बन जाता है। अब यहाँ पर 5 इंटर्न आते हैं, यंग हैं और थोड़ी बहुत मस्ती मजाक चलता रहता है, थोड़े से कैजुअल है अपने अप्रोच को लेके, सीखना भी चाहते हैं। इसके बीच में एक पेशेंट है आसिफ, जो कि बेकाबू हो जाता है एक इंटर्न की शायद गलती की वजह से, और सेल्फ डिफेंस में शायद वो मर भी जाता है। अब इंटर्न जो है वो अपने आप को गिल्टी फील करते हैं पर अपने करियर के साथ नहीं खेलना चाहते हैं और जेल नहीं जाना चाहते, इस वजह से वो लाश को देते हैं छुपा। मिसिंग पेशेंट की जो तलाश है वो पुलिस कर रही है और एक एक करके कोई ना कोई सीक्रेट निकलवाती है इन सबसे अलग अलग बात करके। तो क्या पुलिस को उसका रियल कातिल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोस्तों ये तो आपको सब खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा सीरीज देख के। तो दोस्तों, व्हाट इज गुड इन द सीरीज इज अ बेसिकली अ डिसेंट स्टोरी लाइन, मतलब कुछ एक्टर्स की एक्टिंग है जो कि आपको स्टैंड आउट करती हुई दिखेगी, जैसे राहुल देव और तान्या की। मतलब बाकी सब एक्टर्स मुझे लगता है अंडर प्रिपेयर्ड थे, कभी ओवर एक्टिंग की कोशिश कर रहे थे, और पुनीत जो कि बेसिकली एक डांसर हैं अच्छी एक्टिंग करी है, बट ही हैज टू लर्न अ लॉट। दोस्तों मेन फ्लॉ इसके अंदर है इंटेंसिटी का, जो कि हर चीज में मिसिंग लगी, स्टोरी में मिसिंग है, स्क्रीन प्ले में मिसिंग है, कैरेक्टर डेवलपमेंट में मिसिंग है, और इन नए बच्चों की जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल ही फेक लग रही है। मतलब बेस्ट इंटर्न बनना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि करण जौहर की कोई मूवी चल रही है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। और अगर इतनी ही चिंता है तो आप इतनी कैजुअल अप्रोच क्यों अपनाते हो ट्रेनिंग के बीच के अंदर। तो देखो, एक मर्डर मिस्ट्री के लिए आपको इंटेंस एक्टर्स की जरूरत होती है। अब राहुल देव एक अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने मूवीज में भी काफी अच्छा रोल किया है, नेगेटिव शेड्स के भी रोल करें, पर उनका रोल इतना ज्यादा नहीं है जिस तरीके से ट्रेलर में दिखाया गया है। ट्विस्ट एंड टर्न्स होने चाहिए दोस्तों एक अच्छे मिस्ट्री के लिए, ताकि शक की सुई इधर उधर जाते रहे और आपका इंटरेस्ट बना रहे। पर इसकी स्टोरी दोस्तों काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है, और अगर जिन लोगों ने ध्यान से इसके ट्रेलर और उसके बाद टीजर और उसके बाद वन डे टू गो वाले जो इनके टीजर्स आए हैं वो देखे तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि जो है वो किसने किया है। प्रोडक्शन क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मुझे थोड़ी चीप सी सीरीज लगी, एक ही हॉस्पिटल में और एक घर ले लिया है जहां पर ये शूट हुई है, और ऐसा लग नहीं रहा है कि इसके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करे गए हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे जो फ्लेवर भी आता है वो ऐसा लगता है कि हर चीज अंडर डेवलप्ड है, तो इसको अंडर डेवलप्ड ही स्कोर मिलेगा। तो मूवी शूवी का दोस्तों बेस्ट स्कोर जो मैं इसको दे सकता हूं वो है B। जिन लोगों को थोड़ी बहुत मिस्ट्री पसंद है उनके लिए सीरीज ठीक ठाक होगी, बेटर देन एनी साड़ी सीरियल आई वुड से। बट फॉर दोज हु हैव बीन सीइंग गुड मिस्ट्री मूवीज एंड स्पेसिफिकली इंटरनेशनल सीरीज, उनके लिए बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी और मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटिंग नहीं होगी। तो आप कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा आज का रिव्यू, और अगर आपको कोई और रिव्यू मेरे थ्रू सुनना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बताओ। सी यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।